वहीं बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने सील छप्पे और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लाखों रुपए का कार्य मंजूर करने का मामला सामने आया है। इसकी खुलासा करते हुए विधायक ने अपने अंडर में काम करने वाले दो व्यक्तियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है। विधायक ने बताया है कि दो व्यक्ति विधायक के पास अस्थायी रूप से काम करते थे और उनके कहने पर रीडर और लेखा जोखा का काम करते थे। विधायक ने गड़बड़ी की भनक लगने पर पहले अंदरूनी जांच कराया और तब जाकर पता चला कि लगभग 90 लीटर गायब है और लगभग 65 लाख की कार्य स्वीकृत हो चुका है। अब दोनों आरोपी को फर्जी दस्तावेज के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वही विधायक चंद्रदेव राय से खासा बातचीत की हमारे स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। आप बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय जी हैं, उनसे जानते हैं कि उनसे किस तरह से धोखाधड़ी हुई है, जिनका खुलासा उन्होंने खुद किया है। जी सर, आपको कैसे पता चला कि आपके साथ ये धोखाधड़ी हो गई है? 3 रोज पहले पंचायत मंत्री से हमारा एक फोन आया, उनके पीए से, कि आपके नाम से एक लेटर आया है, उसको आप चेक करके मेरे को बताएंगे, क्योंकि अभी समग्र की जो काम शुरू होनी है उस संबंध में हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान और लोकसभा चुनाव के दरमियान विभिन्न ग्राम पंचायतों में घोषणा किया था, तो उस परिपेक्ष हमने मांग पत्र स्थानीय विधायकों के अनुसार हमने वहां आवेदन दिया था। वहां जब हमने देखा तो वहां एक अलग से लेटर पेट पहुंचा है जो हमारे नाम से है और उस पर फर्जी दस्तखत है विधायक का। एक और ऐसे लेटर मिला वहां जो विधायक का सील लगा हुआ है, वहां भी दस्तखत है। तो दो लेटर जब वहां जाने के बाद, कल हमने वहां गया, पूरी जांच पड़ताल किया, वो पीए से बात किया, तो उन्होंने बताया कि रोशन मिश्रा नाम के व्यक्ति ने इस लेटर को लाके छोड़ा है। आज जब रोशन मिश्रा नाम के व्यक्ति कभी कभी हमारा काम आके यहाँ देखते थे, उनसे हम पता किया तो बोला कि नहीं भैया, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। फिर हमने पूरे सीरियल मिलाने का प्रयास किया। अभी तक यहाँ रायपुर में 158 सीरियल क्रमांक हमारे पास से लेटर जारी हुई है। हमने सब लेटर को खोजने का प्रयास किया तो उसमें से हमको 90 लेटर जो लेटर पेड से जारी हुई है जिसकी क्रमांक नहीं मिल रहा है, तो उसे हमने बोला कि तुम सही सही बताओ कि ये क्या हो, तो उन्होंने खुद कबूल किया कि ये फर्जी दस्तखत मैंने किया है, सिग्नेचर भी मैंने किया है, सील भी मेरा है, सील का वही सील उसी के पास है, सब चीज उसी के पास है। अभी हमने पुलिस को सौंपा है सिविल लाइन का कि पूरी मामले की जांच करे और दोषी पर कार्रवाई कर। तो अभी आपने विधायक चंद्रदेव राज जी को सुना, जिनका साफ कहना है कि उनके नीचे काम करने वाले जो आधिकारिक तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने इनके फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड का उपयोग करते हुए लाखों का काम स्वीकृत करा लिया, जिनकी जानकारी उनको नहीं थी। हालांकि भनक लगने पर उन्होंने पुलिस को मामला सौंप दिया है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।